अस्सलाम वालेकुम, हम बात करने जा रहे हैं कारकर्दगी ऐप की। तो सबसे पहले तो देखेंगे, आपने प्ले स्टोर पर जाना है और ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस आइकन से इस ऐप को जो है ना, कारकर्दगी ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसका यूज़ क्या होगा और किस तरह से यूज़ करना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने डिफरेंट क्लिनलीनेस एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म करनी होंगी। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डिमांड करते हैं। तो यूज़र नेम हमारे पास यहाँ पर वज़ीराबाद के लिए टेक कौंसल, ये किसी भी तहसील कौंसल एरिया के लिए यही पासवर्ड होगा और आगे आपकी तहसील का जो है वो नाम आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने पासवर्ड अप्लाई करना है जो कि हर किसी के लिए ABC@1234 पासवर्ड होगा। इसे आपने लॉगिन में करते हैं जब हम, तो हिदमत ऐट दहलीज पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर जाने के बाद आपने ऐड का ऑप्शन क्लिक करना है, ऊपर डाटा देना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, फिर आपने एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस में आपने MS कोड जो है स्कूल का वो ऐड करना है। फिर आपने एक्टिविटी टाइप बतानी है और उसी तरह डिटेल में आप शेयर कर सकते हैं, जो भी डिटेल है, जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और उसके बाद पिक्चर्स हैं और इंस्पेक्शन की जो पहली पिक्चर है वो लाजमी है, बाकी दोनों ऑप्शनल हैं। तो आप पिक्चर ऐड करके सबमिट करेंगे जब, तो ये डाटा आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा ऐप को ओपन करना होगा और सर्च में जाना होगा। सर्च में जाके आप उसी MS कोड को जो आपने एड्रेस में लिखा है उसके मुताबिक सर्च करेंगे। जैसे अभी मेरे पास कुछ ये सामने आ रही हैं, तो हमने इसको दोबारा ओपन करना है। दोबारा ओपन करके इसको कंप्लीट करना होगा। ये आपके पास एड्रेस आ रहा होगा, ये सारा सिलसिला। फिर आपने पिक्चर्स ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब ये है कि आपने जो इंस्पेक्शन की है उसकी पिक्चर्स ऐड करनी है। मतलब आप क्या किया है आपने, फ़र्ज़ करें कोई गारबेज था या कोई, मतलब वहाँ पर वॉल चॉकिंग थी, आपने उसकी पहले पिक्चर ले ली थी, अब आपने उसमें एक्शन लेने के बाद पिक्चर ऐड करनी है कि कौन सा एक्शन हमने किया है, उसकी डिटेल बतानी है आपने। और इसके बाद स्टेटस में कंप्लीटेड करके आपने एंड वाली पिक्चर जो है वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको ओके कर देना है। तो ये आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपकी एक एक्टिविटी जो है वो कंसीडर होगी। तो ईच स्कूल जो है वो 5 एक्टिविटीज़ रेगुलरली परफॉर्म करेगा। जज़ाकल्ला, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकती हैं।